हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सारास कुचीना। आज मैं एक सिंपल सा चिकन रेसिपी बनाने जा रही हूँ, जो कि आसान होने के साथ साथ टेस्टी भी है। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। एक बोल में 2 टेबलस्पून मैदा और 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लेके उसमें थोड़ा पानी मिला के एक स्लरी तैयार कर लिया है। एक दूसरे बोल में 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेके उसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून सोया सॉस डाल दिया है। अब उसमें 1 एग व्हाइट डाल रही हूँ। नमक स्वाद अनुसार मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाले हैं। अब उसमें 3 टेबलस्पून मैदा और कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल रही हूँ। सारी चीजों को अच्छी तरह मिला के आधा घंटा रखना है। अभी चिकन्स के पकोड़े बना लेंगे। एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम करके उसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालना है। उसमें 2 टेबलस्पून शुगर डालेंगे। सारी चीजों को थोड़ा सा उबालने दीजिए। एक थिक ग्रेवी मिल जाएगा। अब मैं चिकन पीसेस को ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ।
चिकन्स को अच्छी तरह मिलाना है। चार पाँच मिनट तक चिकन पीसेस को ग्रेवी में बॉईल करना है ताकि चिकन पीसेस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही कम समय में इतना टेस्टी चिकन रेसिपी बनके तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय।